जो व्यक्ति ईश्वर के स्थान पर तुच्छ सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करता है, उसकी प्रार्थना ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी विश्वास की समग्रता से होती है प्रभु की प्राप्ति, इसी भावना पर आधारित है। इससे पहले कि आप सभी इस कहानी में खो जाएं, आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप सभी कहानियों का ढावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, पेशे से शिक्षक श्रीचंद को इस नश्वर संसार के प्रति वैराग्य हो गया। उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और हिमालय जाने का निश्चय किया। उनकी पत्नी ने भी साथ जाने की जिद की तो श्रीचंद बोले, देखो मैं तो संन्यास लेकर ईश्वर के निमित्त हो जाऊंगा, तुम्हें भी उसी तरह जीना हो तो मेरे साथ चलो, किंतु एक बात का ध्यान रखना कि कुछ भी साथ लेकर मत आना। पत्नी ने हामी भर दी और दोनों निकल पड़े। जब काफी देर चलने के बाद थकान महसूस हुई तो श्रीचंद एक टीले पर बैठकर ध्यान करने लगे। वहीं से कुछ दूरी पर कुछ व्यक्ति कोई काम कर रहे थे। जब भोजन का समय हुआ तो वे आपस में बातचीत करने लगे। देखो भाई, ये दोनों काफी देर से वहां बैठे हैं, इन्हें भी भूख लगी होगी, चलो पूछकर देखें कि क्या वे हमारे साथ भोजन करना पसंद करेंगे। उनमें से एक आदमी ने जाकर श्रीचंद से पूछा, आप लोग हमारे साथ भोजन करेंगे? श्रीचंद ने पूछा, भोजन कौन कराएगा? उस व्यक्ति ने कहा, मैं कराऊंगा। श्रीचंद ने कुछ क्षण विचार कर तय किया कि मैं कहने वाले इस व्यक्ति के यहां भोजन नहीं करना। उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद काफी समय बीत गया, कोई भी भोजन लेकर नहीं आया। तब श्रीचंद ने पत्नी से कहा, तलाश करो कि अपने पास में क्या है। पता चला कि पत्नी ने एक अंगूठी छुपा कर रखी थी। यह सोचकर कहीं भूखों मरने की नौबत आ गई तो इसका उपयोग कर लेंगे। यह देख श्रीचंद ने कहा, मैं समझ गया, क्योंकि तुमने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं किया था, इसीलिए परमात्मा ने अभी तक हमारे लिए भोजन नहीं